देश में परिवहन के लिए सबसे बड़ा साधन भारतीय रेलवे को माना जाता है और रोजाना करोड़ों लोग इन ट्रेनों में सफर करते हैं। लेकिन ट्रेन दुर्घटना से जुड़े मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसके बाद ट्रेन में सफर करने से पहले आप एक बार जरूर सोचेंगे। ताजा मामला उड़ीसा के बालासोर जिले का है, जहां तीन ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में करीब 280 लोगों की मौत हो गई और 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस भयानक ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में हुए प्रमुख रेल हादसों पर, जिसने रेल यात्रियों के मन में डर पैदा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2011 की, जब उत्तर प्रदेश के एटा जिले में छपरा मथुरा एक्सप्रेस की एक बस से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 69 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हो गए थे। यह हादसा देर रात करीब 1:55 पर हुआ था। बताया जाता है कि ट्रेन काफी तेज गति पर थी और क्रॉसिंग पर बस से टकराने के बाद उसे आधा किलोमीटर तक घसीटती चली गई थी। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था और जांच के आदेश भी दिए थे। अब आते हैं साल 2014 के उस हादसे पर, जब इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई थी। कानपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर पुखराया में इंदौर से पटना जा रही इंदौर पटना एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या 133 थी। इसके अलावा करीब 210 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में पटरी में दरार की वजह से ट्रेन के उतरने की आशंका जताई जा रही थी। हादसे के बाद ट्रेन के कुछ कोच पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए थे। अब आते हैं साल 2014 की ही एक और दुर्घटना पर, जब 26 मई को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में करीब 25 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। अगला मामला साल 2017 का है, जब यूपी में एक ही साल में रेल हादसे के दो मामले दर्ज किए गए। पहला मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुरी से हरिद्वार जा रही ट्रेन के करीब 14 डिब्बे पटरी से ही उतर गए थे। इस हादसे में 23 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं घायलों की सूची में 81 लोगों का नाम दर्ज किया गया था। साल 2017 का दूसरा मामला है कानपुर और इटावा के बीच औरैया जिले का है, जब आजमगढ़ से दिल्ली आ रही कैफियत एक्सप्रेस औरैया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मानव रहित फाटक पर देर रात ट्रेन एक डंपर से टकरा गई। इस हादसे में दुर्घटना की वजह से ट्रेन के इंजन सहित 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में 21 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। घायलों में से 2 यात्री बुरी तरह से घायल हुए थे। अब उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर 3 ट्रेन आपस में टकराई कैसे। यहाँ सवाल कवच प्रणाली को लेकर भी उठ रहे हैं कि यहाँ पर ये उपलब्ध क्यों नहीं थी। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा का इस पर कहना है कि इस मार्ग पर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। रेलवे अपने नेटवर्क में कवच प्रणाली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है, ताकि रेलगाड़ियों के टकराने से होने वाले हादसों को रोका जा सके। चलते चलते कवच प्रणाली क्या होता है ये भी जान लेते हैं। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो रेलवे मंत्रालय ने साल 2022 में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विकसित किया था। कवच लोको पायलट के सिग्नल जंप पर उसे सतर्क करता है और रेल के ब्रेक का कंट्रोल ले लेता है। इसके बाद जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि रेलवे के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, तो वो पहली ट्रेन को रोक लेता है। आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।